क्लास कैंसर बायोलॉजी का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सेल सिग्नलिंग और सेल कम्युनिकेशन। अब इसमें बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज सेल सिग्नलिंग और कम्युनिकेशन। ठीक है, जनरली यू नो दिस इज द प्रोसेस बाय विच द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्युनिकेट विद वन अनदर। अब इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ जो कम्युनिकेशंस हैं उनको देखते हैं, सेल्स जो है वो आपस में किस किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। बेसिकली दीज आर द कॉन्सेप्ट्स वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इन डिफरेंट क्लासेस फिजियोलॉजी में। जब हम लोगों ने एंडोक्राइनोलॉजी को डिस्कस किया था तो वहाँ पे पूरा डिटेल में हम लोगों ने सेल कम्युनिकेशन को डिस्कस किया था। सो मेजर दो टाइप्स की आपके पास कम्युनिकेशन होती है, एक आपके पास होती है डायरेक्ट कम्युनिकेशन या डायरेक्ट सिग्नलिंग या अदर वन इज इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन और इनडायरेक्ट सिग्नलिंग। जब आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसमें आपके पास क्या होता है कि दैट इज सेल टू सेल कॉन्टेक्ट। ठीक है, फिर यह सेल टू मैट्रिक्स कॉन्टेक्ट होता है, उसको आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन कहते हैं। अब दो मेथड्स होते हैं इसके अंदर आ जाते हैं, एक आपके पास होता है गैप जंक्शन। ठीक है, गैप जंक्शन आप लोगों ने जो एनालॉगस टू द प्लाज्मोडेस माटा प्लांट्स में आप लोग देखते हैं उन्हीं की तरह के होते हैं। दोनों सेल्स जो हैं उनके उनके अंदर गैप्स होंगे, गैप जंक्शन होंगे, और उन गैप जंक्शन के थ्रू क्या होगा, सेल आपस में कम्युनिकेट करेंगे। सेकेंड आपके पास डायरेक्ट कम्युनिकेशन में आ जाता है सेल एडहेरिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कि अक्सर क्या होता है कि डिफरेंट ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, ढेरी मॉलिक्यूल्स ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। जनरली जो आप देखते हैं वो होती हैं कि कैडेरिन्स एंड इंटेग्रिन्स। ठीक है, अब ये वाले जो कम्युनिकेशन होती है दैट कैन बी बिटवीन टू सेल्स या इट कैन बी बिटवीन सेल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। जब आप बात करते हैं किडहरिन की तो किडहरिन जो है दैट मेक्स द कम्युनिकेशन बिटवीन टू सेल्स। ठीक है, जबकि इंटेग्रिन जो एडहेरिंग मॉलिक्यूल्स है दीज मेक कम्युनिकेशन बिटवीन सेल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इस तरह से आपके पास इनडायरेक्ट जो कम्युनिकेशन होती है दैट इज बाय मीन्स ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब जो जो सिग्नल होता है दैट इज दैट कन्वे द मैसेज फ्रॉम वन सेल टू अनदर। ठीक है, इंफॉर्मेशन को वो कन्वे करता है। सो दो मेजर कैटेगरी जिसमें आपके पास जब हम डिस्कस करते हैं तो आती हैं, एक आपके पास आते हैं इंटर सेलुलर बिटवीन टू सेल्स जो है वो किस तरह से कनेक्शन हो रहा है। ठीक है, बिटवीन सेल्स जो है वो कम्युनिकेट कैसे किया जा रहा है। अब इसमें जनरली जो इंटर सेलुलर होता है उसमें क्या होता है, जनरली उसमें जो केमिकल्स हैं दीज आर सिक्रीटेड बाय वन सेल और वही वाला केमिकल जाके एक्ट करता है किसी और सेल पे। ठीक है, अब इस इनडायरेक्ट में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नलिंग, ठीक है, गैप जंक्शंस में आपको बता रही थी लोकल सिग्नलिंग होगी। सो आपके पास क्या होते हैं, डिफरेंट न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं। ठीक है, अब न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या है, दीज आर केमिकल्स। ठीक है, दीज आर सिक्रीटेड बाय वन न्यूरॉन और वो जाके किसी और न्यूरॉन पे, किसी और टिश्यू पे, किसी ग्लैंड ऑर्गन पे जाके एक्ट करते हैं। ठीक है, और इनका जो एक्टिंग टाइम होता है दैट इज वेरी शार्ट, मतलब इनका जो टाइम टू अकॉम्प्लिश द फंक्शन दैट इज वेरी शार्ट। इसमें एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन जो है वो आपके पास एज ए न्यूरो ट्रांसमीटर रिएक्ट करते होते हैं। ठीक है, वैसे बेसिकली दीज आर हार्मोन्स फॉर फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन। ठीक है, वाटर सॉल्युबल है। अब जबकि आपके पास जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं ये हाइड्रोफिलिक होते हैं। ठीक है, और न्यूरो ट्रांसमीटर के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। दूसरे आपके पास इसमें एसिटाइलकोलाइन आ जाता है, डोपामिन आ जाता है। ये सारी एग्जांपल जो पीपल हैव स्टडीड दिस टॉपिक इन वेरी डिटेल इन फिजियोलॉजी। ठीक है, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अगेन। फिर आपके पास आ जाते हैं कुछ एंडोक्राइन डीएनए
ग्लैंड या हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो एंडोक्राइन सिग्नलिंग आ जाती है। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली जो ग्लैंड होता है इट सेक्रेट्स हार्मोन, और वो हार्मोन रिलीज होता है इन द ब्लड, और उसके बाद वो टारगेट आर्गन तक पहुंचता है। अब किस कोई भी हार्मोन टारगेट आर्गन तक किस तरह से पहुंचता है, हर हार्मोन के लिए टारगेट आर्गन के ऊपर डिफरेंट रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब वो रिसेप्टर्स जो हैं दीज मे बी प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दीज मे बी प्रेजेंट विद इन द साइटोसोल या फिर न्यूक्लियस के अंदर हो सकते हैं। अब ये जो आपके पास एंडोक्राइन सिग्नलिंग है इसका जो एक्टिंग टाइम होता है ये ड्यूरेशन होता है दैट इज कंपैरेटिवली लॉन्ग। इसको मजीद आप लोग जो आपके पास हार्मोन्स होते हैं उनकी डिवीजन आप करते होते हैं कि जी हार्मोन्स में स्टीरॉयड या फिर वो नाइट्रोजनस हार्मोन हो सकते हैं, ठीक है। अब स्टीरॉयड में आप लोग को पता है कॉर्टिसोल सेक्स हार्मोन है, एडोस्टेरोन आ जाती है, जबकि आपके पास बाकी हार्मोन्स है अमाइनो एसिड बेस या पेप्टोन्स, स्मॉल पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, ग्लाइकोप्रोटीन, ये उसमें आ जाते हैं, ठीक है। या फिर कुछ हार्मोन्स आपके पास टायरोसिन के डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। इस तरह के ये चीजें आप काफी जो है वो डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तीसरे आपके पास होते हैं लोकल केमिकल मेडिएटर्स, लेट मी शो यू। लोकल केमिकल मेडिएटर्स, सो लोकल केमिकल मेडिएटर्स कौन से होते हैं कि दे आर रिलीज्ड बाय वन सेल, ठीक है, एंड एक्ट ऑन द सेम सेल और नेबरिंग सेल सिंपली बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। कोई इसमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं चल रहा होता, उसमें आपके पास आ जाती है पैराक्राइन सिग्नलिंग, उसमें ऑटोक्राइन सिग्नलिंग आ जाती है, ठीक है, ये वाली चीजें आ जाती है। उस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि जो पैराक्राइन सिग्नलिंग होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा होता है वो अपने नेबरिंग सेल में, जबकि ऑटो जो सेल रिलीज कर रहा होता है उसी पे ही जाके वो एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जिनको आप बेसिकली अपनी इम्यूनोलॉजी में थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, फिजियोलॉजी में आप लोग भी पढ़ चुके हैं। सो नेक्स्ट आपके पास फिर कुछ मॉलिक्यूल्स आपके पास आ जाते हैं पैराक्राइन या ऑटोक्राइन, एंडोक्राइन किसी भी कैटेगरी में आप उनको डाल सकते हैं। इंटरफिरॉन, इंटरल्यूकिन, ठीक है, साइटोकाइंस आप लोगों ने देखे हैं, साइटोकाइंस पढ़े हैं, बेसिकली सेल जो रिलीज करता है डिफरेंट केमिकल, दे मे बी इंटरफिरॉन्स, दे मे बी इंटरल्यूकिंस। रिसेंटली इम्यूनोलॉजी के अंदर हम एक चीजें डिस्कस कर चुके हैं, यू पर नीड टू रिवाइज दीज थिंग्स, ठीक है, इन डिटेल। आप फिजियोलॉजी से इसको डिस्कस करें, आप इम्यूनोलॉजी से इन चीजों को रिवाइज करें, कि रिवाइज करें दोबारा से फिजियोलॉजी और इम्यूनोलॉजी की, सिग्नलिंग वाला जो कम्युनिकेशन वाला सारा पार्ट है इसको आप डिटेल में देखें। आई एम जस्ट गिविंग योर रिव्यू कि आपने इस टॉपिक के अंदर जो अभी मैं स्टार्ट करवा रही हूँ इसके अंदर आपने क्या क्या देखा, ये आप देखें। उसके बाद जी गैस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड आपने देखा था और ये मैंने आपको पढ़ाया है फिजियोलॉजी के अंदर। इवन आप मैंने इसमें आपको बताया था कि इट कॉजेज वेजोडायलेशन, ठीक है, बाय इंड्यूसिंग द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक जीएमपी। तो ये चीजें में हम लोगों ने देखी भी है। सो एक तो आपके पास है ये थी आपके पास इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन, ठीक है, बिटवीन टू सेल्स जो है वो कम्युनिकेशन किस तरह से चल रही है, दो सेल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो कैसे कम्युनिकेट करते हैं। द सेकेंड टाइप जो आपके पास है इंट्रा सेलुलर कम्युनिकेशन, मजीद हम लोग लेक्चर्स में आगे साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे कि विद इन सेल जो है वो किस तरह से कम्युनिकेशन चलती है, ठीक है जी। एक सेल ने तो सेल को सिग्नल दे दिया है कम्युनिकेट करने का, अब सेल के पास सिग्नल आ गया तो एक सेल के अंदर वो सारी की सारी कम्युनिकेशन कैसे होगी, उस सिग्नल को कैसे लिया जाएगा, उसको रिस्पॉन्ड कैसे करेगा सेल, वो कम्युनिकेशन कैसे होगी, ये अभी नेक्स्ट अभी आप लोग लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं रिसेप्टर्स को, क्योंकि रिसेप्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं इस टॉपिक के लिए, तो उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं प्लीज। अब रिसेप्टर्स आपके पास क्या होते हैं, बेसिकली कोई भी ऐसे मॉलिक्यूल्स, ठीक है,
जो कि सेल की सरफेस पे या इनसाइड द सेल प्रेजेंट होंगे और जो लाइगेंड के साथ बाइंड करेंगे, ठीक है। दैट इज एनी सब्सटेंस दैट बाइंड्स विद द लाइगेंड, उसको आप बोलेंगे कि दैट इज रिसेप्टर, ठीक है। अब सिलेक्टिवली दे मे रिसीव और बाइंड विद द सब्सटेंस, ठीक है, और उस सब्सटेंस को आप लाइगेंड बोलते हैं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि आपके पास होते हैं सरफेस, सेल सरफेस रिसेप्टर, जो सेल की सरफेस के अंदर ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जबकि कुछ होते हैं इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, जो विद इन द सेल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जो लाइगेंड है वो मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज करके सेल के अंदर जाता है और तब वहां पे जाके वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट टू, ठीक है। ये चीजें भी हमने देखी हुई है, हम लोगों ने कहा है कि जो थायराइड हार्मोन, स्टीरॉयड हार्मोन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, क्योंकि वो इजीली डिफ्यूज कर जाती है, लिपिड इन नेचर ये चीजें। जबकि जो नाइट्रोजनस हार्मोन जितने भी होते हैं उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं ऑन द सर्फेस होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली आपके पास जो भी लाइगेंड आएगा, लाइगेंड क्या है, दैट इज एनी सब्सटेंस दैट बाइंड्स विद द रिसेप्टर, ठीक है, उसको आप लाइगेंड बोलेंगे। जबकि रिसेप्टर आपके पास क्या है, जिसके साथ लाइगेंड जाकर बाइंड करेगा। अब आपके पास दो टाइप्स के लाइगेंड होते हैं, एक होते हैं एगोनिस्ट और सेकंड होते हैं एंटागोनिस्ट, ठीक है। एगोनिस्ट वो वाले होते हैं जो कि जाकर रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं और उस सेल के अंदर चेंज इंड्यूस करवाते हैं, ठीक है। जबकि दूसरे होते हैं एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट वो होते हैं जो कि रिसेप्टर को ऑक्यूपाई तो कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन कोई चेंज इंड्यूस नहीं करवाते सेल के अंदर, ठीक है। आप इनको एज अ कंपेटिटिव इनहिबिटर्स ले सकते हैं, जिस तरह से उस सबस्ट्रेट ने जाके कहीं बाइंड करना था, अब उसकी जगह को फिल कर लिया गया है, ठीक है, उस जैसी शेप वाली कोई भी सब्सटेंस आ गया, लाइगेंड आ गया, उसने फिल तो कर लिया लेकिन वो काम नहीं करवा सकता जो कि ओरिजिनल सबस्ट्रेट ने आके करवाना था। सो एंटागोनिस्ट वो होते हैं। सो मेजर टाइप ऑफ रिसेप्टर्स आपके पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स, लेट मी शो यू द स्लाइड, ये आपके पास सिग्नल रिसेप्टर्स के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। देर आर टू टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, इंटरनल आर इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर विद इन द सेल जो होते हैं, एंड द सेकेंड आर सेल सर्फेस रिसेप्टर्स, या फिर आप इनको मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स बोलते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं इंटरनल आर इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स। सो इंट्रा सेलुलर सेल रिसेप्टर्स जो आपके पास है, ये कौन से रिसेप्टर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं विद इन द सेल, ठीक है। साइटोसोल में प्रेजेंट हो गए, न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो गए रिसेप्टर्स, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो स्टीरॉयड थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर्स होते हैं वो साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वहां से वो न्यूक्लियस में जाएंगे और फिर आपके पास क्या होगा, चेन इंड्यूस होगा, ठीक है। अब ज्यादातर जो आपके पास इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं वो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। इट मींस कि दे इंड्यूस जीन ट्रांसक्रिप्शन, वो जैसे ही जाके अगर अटैच होंगे तो वो ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू चेन इंड्यूस करवाते होते हैं, जो भी सेल चेन इंड्यूस करवाते बेसिकली दीज आर ट्रांसक्रिप्शनल प्रोटीन, जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स भी आप कहेंगे। सो दीज आर नोन एज इंट्रासेलुलर साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, दे आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द टारगेट सेल एंड रिस्पॉन्ड टू हाइड्रोफोबिक लाइगेंड मॉलिक्यूल्स दैट आर एबल टू ट्रैवल अक्रॉस द प्लाज्मा, ठीक है। वंस इनसाइड द सेल मेनी ऑफ दीज मॉलिक्यूल बाइंड टू द प्रोटीन्स दैट एक्ट एज रेगुलेटर ऑफ मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस, ठीक है। अब जब वो अंदर आ जाते हैं तो वो जो मॉलिक्यूल्स है दे बाइंड टू द प्रोटीन्स जो कि मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस के लिए एज रेगुलेटरी एक्ट कर रहे होते हैं टू मीडिएट द जीन एक्सप्रेशन। अब जीन एक्सप्रेशन आपके पास क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग द इंफॉर्मेशन इन द सेल डीएनए, ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड जिससे प्रोटीन बनेगी। सो जब भी लाइगेंड इंटरनल रिसेप्टर के साथ आके बाइंड करता है तो उसके रिजल्ट में एक इंफॉर्मेशनल चेन ट्रिगर हो जाता है, जो कि उस डीएनए बाइंडिंग साइट को ऑन द रिसेप्टर प्रोटीन एक्सपोज कर देता है, ठीक है। अब वो क्या होगा कि लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर जाएगा एंड देन इट विल बाइंड टू स्पेसिफिक रेगुलेटरी रीजंस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है, और वहां पे वो ट्रांसक्रिप्शन इंड्यूस इनिशिएट करवा देगा। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, जिसे आप लोग देख चुके हैं। सो बेसिकली इंटरनल रिसेप्टर जो है दे कैन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस जीन एक्सप्रेशन विदाउट हैविंग टू पास द सिग्नल ऑन टू अदर रिसेप्टर्स एंड मैसेंजर। जब आप मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स देखेंगे तो उसमें
कहीं कहीं जो होते हैं वो सेकंड मैसेंजर, जैसे साइक्लिक एएमपी इज द सेकंड मैसेंजर, आईपी3 इज द सेकंड मैसेंजर, तो सेकंड मैसेंजर इन्वॉल्व होते हैं, या फिर सेकंड मैसेंजर के ऑल्टरनेटिव कोई ना कोई और प्रोटीन इन्वॉल्व हो रही होती है जो डायरेक्ट मैसेज क्योंकि नहीं पहुंच रहा होता। लाइगेंड ने उधर बाहर मैसेज दिया होता है, अंदर लेके जाना होता है, अंदर चेंज करवाना होता है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्योंकि वो रिसेप्टर के पास जाके लाइगेंड चला गया, तो इंटरनल रिसेप्टर जो है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जीन एक्सप्रेशन। ये आपके पास होते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। ये देखिए, दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, इसने ट्रेवल किया, ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है, ठीक है। यहाँ पे जाकर इसने बाइंड किया, वो जो रिसेप्टर लाइगिन कॉम्प्लेक्स है मूव करेगा टूवर्ड द डीएनए, और जहाँ पे जाके बाइंड करेगा जिस जीन को उसने, जिस जीन के एक्सप्रेशन चेंज करवाना है, उसको एक्सप्रेशन को एनहेंस करेगा या उसको डिमिनिश करेगा, इट डिपेंड फिर किस तरह का लाइगेंड आ गया अटैच। ये चीज थी आपके पास। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के पास, दीज आर सेल सरफेस रिसेप्टर्स। अब सेल सरफेस रिसेप्टर, ये मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, वो वाले रिसेप्टर्स होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आप इनको ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है। दीज आर इंटीग्रल प्रोड्यूस दैट बाउंड टू एक्सटर्नल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। अब ये जो रिसेप्टर्स होते हैं दिस स्पैन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनके एक बाहर वाला साइट होती है, ठीक है, एक दरम्यान जो स्पैन कर रहा होता है मेम्ब्रेन को, वो डोमेन होता है, और एक सेल के अंदर का डोमेन। सो ये वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं दे स्पैन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर से गुजर रहे होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, एंड परफॉर्म सिग्नल ट्रांसडक्शन इन विच एन एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू इंटर सेल इंट्रा सेलुलर सिग्नल। द सेल सरफेस रिसेप्टर प्रोटीन्स आर फंडामेंटल टू नॉर्मल सेल फंक्शनिंग, इट शुड कम एज नो सरप्राइज इट माल फंक्शन इन एनी ऑफ वन ऑफ दीस प्रोटीन कुड हैव सीवियर कंसीक्वेंसेस। एरर इन द प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑफ सर्टेन रिसेप्टर मॉलिक्यूल हैव बीन शोन टू प्ले अ रोल इन हाइपरटेंशन, एस्थमा, हार्ट डिजीज एंड कैंसर। अभी आप, हम लोगों ने इसको विद रिस्पेक्ट टू कैंसर जो है वो डिस्कस करना है, तो हम उसको यही देखेंगे, ठीक है। डिटेल में हम उसको कैंसर भी देखेंगे कि कैंसर में किस तरह से जो है वो सिग्नलिंग में डिसफंक्शनैलिटी आती है। तो इसमें आपके पास क्या होता है, लाइगेंड ने आकर रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, रिसेप्टर की बाइंडिंग हुई, और ये ट्रांसमेम्ब्रेन इसका हेलिक्स है, ये इसका अंदर वाला डोमेन है। अब यहाँ से मैसेज जो है वो सम हाउ कोई ना कोई सेकंड मैसेंजर सिस्टम या कोई और प्रोटीन इन्वॉल्व होगी जो कि मैसेज को लेके जाएगी न्यूक्लियस की तरफ डायरेक्टली। अब ये वाला जीव वाली चीज इन्वॉल्व नहीं है, ये चीज वहां पे क्या था इंट्रासेलुलर में, डायरेक्टली ये वाला जो कॉम्प्लेक्स लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स वो जाके बाइंड कर रहा था न्यूक्लियस के साथ। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपके पास थ्रू सेकंड मैसेंजर सिस्टम जो भी चेंज इंड्यूस करवाना है वो। कंपोनेंट्स एंड टाइप्स की अगर हम बात करें तो ईच सेल सरफेस रिसेप्टर है थ्री मेन कंपोनेंट्स। अभी मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल डोमेन होता है, एक्सटर्नल डोमेन वो वाला डोमेन है जिसके साथ आके दिस वन, एक्सटर्नल डोमेन वो वाला डोमेन है ये वाला जिसके साथ आके लाइगेंड ने बाइंड किया, सेकंड वन इज हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन। अब ये जो मेम्ब्रेन के अंदर से गुजर रहा है दिस वन, दिस इज मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन, दिस इज हाइड्रोफोबिक रीजन, एंड एन इंट्रासेलुलर डोमेन, ये वाला जो पोर्शन है जो अंदर की तरफ है सेल के अंदर है, दिस इज इंट्रासेलुलर। सेल सरफेस रिसेप्टर्स आर इन्वॉल्व इन मोस्ट ऑफ द सिग्नलिंग इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। थ्री जनरल कैटेगरीज हैं सेल सरफेस रिसेप्टर की। एक है आपके पास एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स, द सेकेंड वन आर आयन चैनल लिंक रिसेप्टर एंड जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर। डिटेल में आप लोगों ने चीजें देखी हुई है, बार बार फिजियोलॉजी में पढ़ी थी, वो थी जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर। फिर दूसरे आपके पास आयन चैनल लिंक रिसेप्टर, ये भी आपने देखे थे कि किस तरह से कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो आके किसी भी आयन चैनल की ओपनिंग करवा देगा, उसको क्लोज करवा देगा, और इन रिजल्ट आयन मूव करेंगे और चेंज इंड्यूस होगा किसी भी सेल के अंदर, ठीक है। आयन चैनल लिंक रिसेप्टर्स आर नॉट मच इम्पोर्टेंट इन कैंसर पॉइंट ऑफ व्यू। मेजर जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम देखेंगे एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स और जी प्रोटीन, ठीक है।
सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर आ जाते हैं एंजाइम रिसेप्टर जो आपके पास। अब इसमें जो आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक आपके पास है जी आयन लिंक आयन चैनल, यानी को आप आयनोट्रॉपिक बोलते हैं। द सेकंड वन आर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन डिटेल में देखेंगे। और तीसरे आपके पास होते हैं सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, या फिर आप इनको एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कैंसिल, आप इनको सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर भी बोलें। ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, इनका एक एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होता है दैट इज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्रेजेंट होता है ग्लाइकोसाइलेटेड शुगर मॉलिक्यूल होता है वो। फिर दूसरा होता है ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, और तीसरा आपके पास इसका आता है जो इंटरनल या इंट्रा सेलुलर डोमेन होता है, या फिर आप उसको साइटोसोल के अंदर है उसको साइटोसोलिक डोमेन भी बोलते हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ एंजाइम लिंक के साथ। ये देखेंगे, ये इसका एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, ये अंदर वाला दरमियान वाला ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, और ये साइटोसोल में दिस इज साइटोसोलिक डोमेन या इंट्रा सेलुलर डोमेन। ठीक है, अब इसमें ये जो पोर्शन होता है ना, इसका साइटोसोलिक डोमेन होता है, इट हैज कैटालिटिक एक्टिविटी, इसके पास एटीपी बाइंडिंग साइट भी होती है, इसके अलावा इसके पास टायरोसिन रिकॉग्निशन साइट भी होती है। तो दिस पोर्शन इज मोर इम्पोर्टेंट आपके पास इस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इसको आप देखें। अब ये जो आपके पास रिसेप्टर्स होते हैं एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स की बात करें, उसमें हम एग्जांपल लेंगे टीकेआर टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर के। अब ये वाले जो एंजाइम लिंक रिसेप्टर, ये सिंगल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं, दीज रिसेप्टर एग्जिस्ट इन मोनोमेरिक फॉर्म। जब ये इनएक्टिव होते हैं तो मोनोमेरिक फॉर्म में होते हैं, और जैसे ही लाइगेंड आके बाइंड करता है इंटरसेप्टर के एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन के साथ, तो ये रिसेप्टर एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और डाइमर बना लेते हैं। ठीक है, इसका पूरा जो मैकेनिज्म है वो आगे हम देखेंगे। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास रिसेप्टर आ जाता है वो कैंसर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास इंपॉर्टेंट है, दैट इज आरटीके रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। इसी को जो है हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। सो बेसिकली काइनेज क्या है, बट इज काइनेज आप लोगों ने पहले भी इसको पढ़ रखा होगा, डिफरेंट बायोकेमिस्ट्री में जब आप साइकिल्स पढ़ते हैं तो वहां पे काइनेज एंजाइम का बहुत जिक्र होता है। तो काइनेज बेसिकली वो वाला एंजाइम होता है जो कि फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करता है एटीपी से लेके किसी भी और प्रोटीन को जाकर देते हैं। ठीक है, सो टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर एज द नेम इंडिकेट कि ये ट्रांसफर करता है फॉस्फेट ग्रुप किसको, टायरोसिन को। ठीक है, इसमें होता यह है कि सबसे पहले जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन के साथ बाइंड करता है। ठीक है, ऑफ टू नियर बाय टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स। अब ये जो दो नेबरिंग रिसेप्टर्स होते हैं दे बॉन्ड टुगेदर, ये डाइमराइज हो जाते हैं। आगे डायग्राम में आपको दिखाती हूँ, फॉस्फेट्स जो है उसके बाद दे आर एडेड टू टायरोसिन रेजिड्यूज। ठीक है, अब इसका जो इंट्रासेलुलर डोमेन होता है वहां पे टायरोसिन अमीनो एसिड इटसेल्फ प्रेजेंट होता है, टायरोसिन रेसिड्यू वहां पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पहले इन्होंने खुद जो है वो बाइंड किया, एक दूसरे के क्लोज हुए, फिर फास्फोराइलेशन की उस टायरोसिन। ठीक है, तो फास्फोराइलेटेड रेसिड्यू जो है दीज देन कैन ट्रांसमिट द सिग्नल टू द नेक्स्ट मैसेंजर विद इन द साइटोप्लाज्म। एक चीज आपने नोट करनी है कि उन्होंने वर्ड यूज किया नेक्स्ट मैसेंजर, नॉट द सेकंड मैसेंजर। इसका मतलब है यहाँ पे सेकंड मैसेंजर के अल्टरनेटिव कोई और मैसेंजर प्रेजेंट है। ठीक है जी, ये देखिए जी आपके पास कोई अभी तक इनएक्टिव फॉर्म है, मोनोमर की फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे ही लाइगेंड आके बाइंड किया तो ये दूसरे क्लोज आ गए। ठीक है, डाइमर बनाया उन्होंने, और फिर क्या किया है कि इसका जो टायरोसिन रेसिड्यू जो कि अंदर वाले साइड पे प्रेजेंट था साइटोसोलिक डोमेन में, उसकी फास्फोराइलेशन किया, काइनेज एंजाइम प्रेजेंट है अंदर ही। ठीक है, कैटालिटिक डोमेन वही है, उसने फास्फोराइलेशन कर दिया, वो जो फास्फोराइलेटेड टायरोसिन रेसिड्यू है वो सारे का सारा सिग्नल जनरेट करके कम्युनिकेशन करवाया। राइट, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
इसके अंदर जो एग्जांपल हम लोग लेने जा रहे हैं दैट इज जैक स्टैट थ्री सिग्नलिंग पाथवे। डिटेल में देखेंगे जैक क्या है, स्टैट क्या है, स्टैट थ्री क्या है और किस तरह से सिग्नलिंग होती है और कैंसर में वो सिग्नलिंग जो है वो किस तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। सो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। द जैक स्टैट सिग्नलिंग पाथवे इज अ चेन ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन प्रोटीन्स इन अ सेल। ठीक है, अब इसमें जो सेल के अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स हैं वो इंटरेक्ट करती हैं और अल्टीमेटली इंटरेक्ट करके वैसा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती हैं जो कि डिफरेंट प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होता है। रिस्पॉन्स लाइक इम्यूनिटी में इन्वॉल्व हो गया, सेल डिवीजन, सेल डेथ या फिर ट्यूमर फॉर्मेशन, वो रिस्पॉन्सेस या प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट होते हैं। दिस पाथवे कम्युनिकेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम केमिकल सिग्नल आउटसाइड ऑफ अ सेल टू द सेल न्यूक्लियस रिजल्टिंग इन द एक्टिवेशन ऑफ जीन्स थ्रू प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। दैट इज द बेसिक थिंग। द लार्ज फैमिली ऑफ साइटोकाइन रिसेप्टर्स इंक्लूड्स रिसेप्टर्स ऑफ मेनी काइंड ऑफ लोकल मीडिएटर्स कलेक्टिवली नोन एज साइटोकाइन्स एज वेल एज रिसेप्टर्स फॉर सम हार्मोन सच एज ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन। अब ये जो आपके पास इसमें जो रिसेप्टर होता है दैट इज साइटोकाइन रिसेप्टर। ठीक है, अब वो जो साइटोकाइन रिसेप्टर है वो तो एक तो साइटोकाइन्स को रिस्पॉन्ड करता है, इसके अलावा इसमें जो पांच रिसेप्टर्स होते हैं वो डिफरेंट हार्मोन्स के लिए भी होते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन के लिए या प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है उसके लिए भी रिसेप्टर्स होते हैं। जैक स्टैट थ्री सिग्नलिंग पाथवे इसमें। ठीक है, अब इसको डिटेल में देखते हैं कि रिसेप्टर कौन है, अंदर वाली प्रोटीन कौन सी है, ये चीज़ें देखते हैं। अब ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये एसोसिएट करते हैं विद साइटोप्लाज्मिक टायरोसिन काइनेसिस। ठीक है, और उसको आप बोलते हैं जेनस काइनेसिस। ठीक है, आपने तो टू फेस रोमन गार्ड जेनस जो है वो नाम दिया गया। विच फॉस्फोराइलेट एंड एक्टिवेट ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर्स कॉल्ड स्टैट्स। ये आगे मैकेनिज्म मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। इसमें होता क्या है कि वो जो रिसेप्टर जिनके साथ आके साइटोकाइन या हार्मोन्स आके बाइंड करेंगे वो रिसेप्टर खुद किसके साथ एसोसिएट हुए हुए हैं, जो साइटोप्लाज्मिक इसका कंपोनेंट है टायरोसिन काइनेसिस। ठीक है, जिनको आप बोलते हैं जेनस काइनेसिस जैक्स। ठीक है, अब वो अंदर वाली साइड पे हैं। अब वो जैक्स क्या करते हैं, वो फास्फोरिलेट करते हैं, फास्फोरिलेशन, क्योंकि वो क्या है टायरोसिन काइनेज है। काइनेज क्या करेगा, फास्फोराइलेट करेगा टायरोसिन रेगुलेटर्स। तो एक वो फास्फोराइलेट करते हैं और सेकेंडली वो क्या करते हैं एक्टिवेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन डिफरेंट रेगुलेटर्स होते हैं और ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर जो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं दैट इज स्टैट। ठीक है, स्टैट स्टैंड फॉर सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स, एक तो सिग्नल को ट्रांसड्यूस करेगा एंड सेकेंडली इट इज एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट करवाएगा जाके न्यूक्लियस से। ठीक है, मजीद जो मैकेनिज्म है आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगा। सो स्टैट प्रोटीन्स आर लोकेटेड इन द साइटोसोल। अब ये जो प्रोटीन्स होते हैं डेफिनेटली हम इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग की बात कर रहे हैं, सेल के अंदर सिग्नल किस तरह से कन्वे हो रहा है। ठीक है, सो स्टैट प्रोटीन्स जो होती है वो साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होती है एंड दीज आर नोन एज लेटेंट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर्स, क्योंकि क्या करती है दीज माइग्रेट इन टू द न्यूक्लियस और वहां पे जाके जीन ट्रांसक्रिप्शन को क्या करती है रेगुलेट करती है वंस दे आर एक्टिवेटेड। ठीक है, तीन पार्ट्स हैं इस जैक स्टैट सिग्नलिंग के। द फर्स्ट इज रिसेप्टर जिसके साथ आपके केमिकल सिग्नल ने बाइंड करना है, चाहे वो साइटोकाइन है चाहे वो कोई ना कोई हार्मोन। द रिसेप्टर इज स्टेबली एसोसिएटेड विद द साइटोप्लाज्मिक टायरोसिन काइनेज। ठीक है, जो कि आपके पास है जेनस काइनेज है जैक्स। ठीक है, थर्ड आपके पास में कंपोनेंट आ जाता है स्टैट। स्टैट आपके पास क्या है दैट इज अ ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर प्रोटीन जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट। ठीक है, ये तीन मेन इस पाथवे के कंपोनेंट्स हैं, इसको अब मजीद हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जैक्स क्या है, व्हाट इज अ जैक। जैक की फुल फॉर्म है जेनस काइनेस। ठीक है, दैट इज अ इंट्रा सेलुलर प्रोटीन काइनेस। ठीक है, सेल के अंदर प्रेजेंट है जो प्रोटीन काइनेस। अब ये जो आपके पास वो रिसेप्टर का डोमेन था ना, एक था एक्स्ट्रा सेलुलर, एक था ट्रांसमेम्ब्रेन, एक था इंट्रा सेलुलर प्रोटीन डोमेन था, वो जो इंट्रा सेलुलर डोमेन है उसके अंदर ये एंजाइम प्रेजेंट है। ठीक है, दिस जैक इंट्रा सेलुलर प्रोटीन काइनेस
प्रोटीन काइनेज क्या करते हैं, कैटेलाइज द ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम एटीपी टू इट्स प्रोटीन सबस्ट्रेट और लाइगिन मॉलिक्यूल, जो भी आया है उसको फास्फोराइलेट करेंगे। इस केस में किसको करेंगे, हमें पता है इस केस में टायरोसिन करना। सो फोर मेंबर फैमिली होती है यहाँ पे, वो जो जैक होती है, जैक 1, जैक 2, जैक 3 एंड टायरोसिन काइनेज 2, TYK2। अब ये डिफरेंट जो जैक्स हैं ये डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नलिंग में इन्वॉल्व है। या अगर टेबल में इसको देखेंगे, दिस प्रोटीन काइनेज इंटरेक्ट विद अनदर प्रोटीन। मैंने आपको बताया कि साइटोप्लाज्म के अंदर एक और प्रोटीन प्रेजेंट है, दैट इज रेगुलेटर, ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर भी है और सिग्नल ट्रांसड्यूसर भी है। वो जो प्रोटीन प्रेजेंट है ये उसके थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, उसके साथ जाके इंटरेक्ट करते हैं, और वो स्टैट जो प्रोटीन है वो जाके चेन इंड्यूस करवाती है, जो भी सेल के अंदर कम्युनिकेशन करवानी है, सेल सिग्नलिंग करवानी है। तो ये इनका इंटरेक्शन है आपस में, सिंपली कोई एक जो है वो एंजाइम कुछ भी नहीं करेगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ जीनस काइनेज। वी नो वेरी वेल कि काइनेज है, काइनेज क्या है, दैट इज अ एंजाइम, और एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। और प्रोटीन्स जब हम उनकी पॉलीपेप्टाइड चेन को देखते हैं तो हम कहते हैं कि उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक उसका दो टर्मिनल है, एक अमाइनो टर्मिनल है, द सेकंड वन इज कार्बोक्सिल टर्मिनल। ठीक है जी, एक उसके अंदर आपके पास जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज अमाइनो टर्मिनल एंड दिस इज कार्बोक्सिल टर्मिनल। अमाइनो टर्मिनल में आपके पास ये फर्म डोमेन है, ठीक है। इसका फंक्शन होता है कि इट मेडिएट्स बाइंडिंग टू साइटोकाइन रिसेप्टर्स, ठीक है। इसमें साइटोकाइन रिसेप्टर के साथ जो बाइंडिंग है उसको मेडिएट करना होता है, उसके साथ बाइंड लाइक उसके साथ आके साइटोकाइन रिसेप्टर के साथ कोई चीज आके अटैच हुई है तो कैसे इसको पता चलेगा जैक को। ये बेसिकली इसका जो फर्म डोमेन है वो साइटोकाइन रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग को मेडिएट कर रहा होता है, जैसे ही कोई आके लाइगेंड अटैच हुआ है फॉरन से ही रिस्पॉन्ड कैसे करता है कि उसके साथ अटैच होता है फर्म, ठीक है। सेकेंड इसमें आपके पास जो कंपोनेंट आ जाते हैं दैट इज SH2, थर्ड इज स्यूडो काइनेज एंड द फोर्थ वन इज काइनेज, और फिर इसका ये कार्बोक्सिल टर्मिनल, ठीक है। सो दिस स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जैक व्हिच इज मेड अप ऑफ फर्म SH2 स्यूडो काइनेज एंड काइनेज डोमेन, द फर्म डोमेन मेडिएट बाइंडिंग टू साइटोकाइन रिसेप्टर्स। दोनों जो फर्म और स्यूडो काइनेज डोमेन्स हैं दे रेगुलेट कैटालिटिक एक्टिविटी एंड दे अपीयर टू इंटरेक्ट विद द काइनेज डोमेन, ठीक है। ये जो काइनेज डोमेन होता है जिसने फास्फोराइलेशन करवानी है उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। जैक्स जो हैं दे ऑटो फास्फोरिलेट एट मल्टीपल साइट्स, ठीक है, खुद को खुद ही फास्फोरिलेट करते रहते हैं, इंक्लूडिंग टू इन द एक्टिवेशन लूप ऑफ द काइनेज डोमेन। ये भी आप आके देखेंगे कि किस तरह से जैसे लाइगेंड ने आके बाइंड किया है तो वो थोड़ा सा आप देखेंगे क्रॉस फास्फोरिलेशन करवा रहे हैं, क्योंकि मोनोमर की फॉर्म में होते हैं तो वो डाइमर की फॉर्म में आते हैं, तो एक जो मोनोमर है वो दूसरे को फास्फोरिलेट करता है, पहला जो है वो दूसरे को फास्फोरिलेट करता है, तो उस तरह से ऑटो फास्फोरिलेशन चल रही होती है। सो ईच प्रोटीन हैज अ काइनेज डोमेन एंड अ कैटालिटिकली इनएक्टिव स्यूडो काइनेज डोमेन। जितनी भी जैक्स प्रोटीन होती है इनके पास एक काइनेज डोमेन भी होता है और एक इनएक्टिव स्यूडो काइनेज डोमेन भी होता है, ठीक है। एंड द ईच बाइंड साइटोकाइन रिसेप्टर थ्रू अमाइनो टर्मिनल फर्म डोमेन्स। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो जैक होता है ये उस रिसेप्टर को फर्म डोमेन के थ्रू बाइंड कर रहा होता है उसके साथ, ठीक है। जैसे ही साइटोकाइन आपके साइटोकाइन के साथ सॉरी उस रिसेप्टर के साथ साइटोकाइन या कोई भी इंटरफेरॉन इंटरल्यूकिन आके बाइंड किया तो फौरन से जैक जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो रिसेप्टर को फास्फोराइलेट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है उसके लिए डॉकिंग साइट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब इसमें सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आपके पास आ जाएगा स्टैट, ठीक है। सो इसमें स्टैट के लिए उन्होंने डॉकिंग साइट प्रोवाइड कर दी है रिसेप्टर के ऊपर कि वहां पे आके वो बाइंड करेगा और खुद फॉस्फोराइलेट करवाएगा। ये मैकेनिज्म आगे हम डिस्कस करेंगे। सो आई गेस दिस इज इनफ फॉर टुडे, बाकी हम लोग कल देखेंगे।